ट्रैवल एजेंट्स का धंधा खतरे में है और साथ ही आपका हवाई सफर भी कुछ और महंगा हो सकता है। हमने कल आपको बताया था कि एयर इंडिया ने ट्रैवल एजेंट्स के कमीशन को बंद करने का फैसला किया है। अब पता चला है कि जेट एयरवेज, किंगफिशर और जेट लाइट भी इसी रास्ते पर हैं। इन तीनों एयरलाइंस ने भी एजेंट्स को चिट्ठी लिख करके कहा है कि 1 अक्टूबर से उनका कमीशन बंद कर दिया जाएगा। इस पर हम और जानकारी लेने के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता स्वाति के पास। स्वाति, बताइए क्या खबर का डिटेल आपके पास है? जी संजय, सबसे पहले हम ये बता दें कि 20 तारीख को एयर इंडिया ने चिट्ठी भेजी है एसोसिएशन के पास, जितने भी ट्रैवल एजेंट के एसोसिएशन उनके पास भेजा गया है। 21 तारीख को जेट लाइट और जेट एयरवेज ने, और उसके बाद 23 तारीख को किंगफिशर ने ये ऐसा ही एकदम एक जैसा नोटिफिकेशन ट्रैवल एजेंट के पास भेजा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 1 अक्टूबर से 2008 से वो जो कमीशन था 5% का, वो उसको 0% करने वाले हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि लेटर का फॉर्मेट एकदम एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसी है, मतलब कि उनका ये मिला जुला एफर्ट एयरलाइंस का, कोई इंडिविजुअली एयरलाइंस अपने आप ये कदम नहीं उठा रही है, सब ने मिलजुल के ये कदम उठाया है। इसमें ये बात भी कही गई है कि जो एजेंट्स हैं वो ट्रांजैक्शन फी कस्टमर से वसूल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फेयर में आपको और मुझे अब शायद जो एयर फेयर पे 5% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा अगर हम ये टिकट एजेंट के थ्रू करवाते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है संजय कि पूरे मिला के कुल 2780 IATA अप्रूव्ड एजेंट अभी काम कर रहे हैं भारत में, उनसे जुड़े हुए करीब 1 लाख छोटे एजेंट काम कर रहे हैं, जिनका बेसिक धंधा यही है, वो टिकटिंग के जरिए ही वो कमाते हैं। अगर वो पास ऑन करते हैं ये 5% का कमीशन कस्टमर से, उनका पूरा कस्टमर बेस बिगड़ जाता है। अगर वो पास ऑन नहीं करते हैं तो उनके पास दुकान बंद करने के अलावा अब कोई ऑप्शन और नहीं दिख रहा है। जी स्वाति, सारी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ट्रेवल एजेंट्स के लिए परेशानी, क्योंकि 1.25 लाख के आसपास लोग हैं जो इनसे प्रभावित हो सकते हैं। इस फैसले से उनकी कमाई का एक जरिया बंद होगा। दिल्ली के सबसे पुराने ट्रैवल एजेंटों में से एक STIC के ट्रैवल स्टिक ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल हमारे साथ हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, कमीशन बंद करने का फैसला लिया है एयरलाइंस ने, आपको क्या लगता है इस फैसले पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपके पास कमाई का दूसरा क्या जरिया होगा? देखिए, इससे काफ़ी एजेंट्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि 50 साल से, जब से देश को 60 साल से आज़ादी मिली है, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो ट्रैवल एजेंट्स, 80% उनका बिजनेस ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू है। अब ऑल ऑफ अ सडन आप जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी, उसमें 25% के करीब तो आपका फ्यूल है, जिसमें से अगर आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जैसे कि मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कम हो जाता है तो आपको 20% की राहत वहाँ मिलेगी। ट्रैवल एजेंट्स को जो आप कमीशन देते हो वो हार्डली 1% ऑफ योर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और उससे ज़्यादा आप जो पैसा दे रहे हैं वो GDS हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एमिडियस, सेबर, गलेलियो, वर्ल्ड स्पैन, ये लाखों करोड़ों रुपए आपसे ले जाते हैं। इसकी जगह कई एयरलाइंस ने अमेरिका में और काफ़ी कंट्रीज में अपनी सारी इन्वेंट्री रिजर्वेशन इंटरनेट पे डाल दी है। तो सबसे अच्छा, ये ठीक है सुभाष जी, लेकिन अब समस्या ये है कि इन्होंने देखिए आपको टाइम दे दिया है, ब्रीदिंग स्पेस दिया है, कहा है कि हम 1 अक्टूबर से ये लागू करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि अब आप कोई दूसरा तरीका ढूंढें, क्योंकि ये शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो जो मेन ट्रैवल एजेंट्स की बॉडी है TAI, उन्होंने 27 तारीख को कलकत्ते में ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई है, उसमें वो एक्शन डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, जो भी वो एक्शन डिसाइड करेंगे, बाकी सारे ट्रैवल एजेंट्स उनको होल हार्टेडली, चाहे टूर ऑपरेटर्स हैं चाहे कोई भी हैं, वो हम उनको सपोर्ट करेंगे। बट अब फिलहाल सवाल ये है कि आपने आपको ब्रीदर दे दिया कि आपकी गर्दन तो कटनी ही कटनी है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्राइसिस के टाइम पे जिस पेड़ की टहनी पे आप बैठे हो, उस पेड़ की टहनी को काट रहे हो। जो एजेंट्स एयरलाइन को सपोर्ट करते रहे हैं, आप उन्हीं की कमाई ख़त्म कर रहे हो और लाखों लोगों को बेरोज़गार कर रहे हो, जबकि और जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, जो और जो आपके फालतू खर्चे हैं, उनको आप कम करें। और जैसे कि मैंने कहा कि GDS की जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो अगर आप इंटरनेट पर कर दें, तो जितना पैसा ट्रैवल एजेंट्स को कमीशन में देते हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा आप पैसा सेव कर सकते हैं। जी सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपकी इस खबर पर हम नज़र रखेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि आपका धंधा खराब हो। अगली खबर है।